जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले, आपकी लाइफ में हमेशा सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर, बहुत सारे लोग हमें कमेंट कर रहे थे कि हमारी लाइफ में ईश्वर दे करके छीन क्यों लेते हैं। हो सकता है कि आप किसी से बहुत प्यार करने लगे हों, पहले वो भी आपसे बहुत प्यार करते हों और फिर वो आपसे दूर हो गए। तो बहुत सारे लोग आपसे बोलते हों कि ईश्वर जो भी करते अच्छे के लिए करते, तो आपका ये सवाल बहुत ज़्यादा कॉमेंट में आता है कि ईश्वर ऐसा क्यों करते हैं, ईश्वर दे करके छीन क्यों लेते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट में लिखते हैं, रोने की इमोजी लगा देते हैं। तो डियर, ये जो रोने की इमोजी लगा देते हैं ना, ये हमें बहुत तकलीफ़ देती है। हम ये चाहते हैं आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, ना अपनी लाइफ की प्रॉब्लम की वजह से कभी टूटे, ना किसी और की वजह से आप टूटे, आपकी लाइफ में कभी कोई तकलीफ़ ना आए। तो हमने इसलिए आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया है, जो लोग को ये लगता है कि ईश्वर दे करके फिर छीन क्यों लेते हैं। हो सकता है कि पहले कोई फ्रेंड आपको देते हो फिर उसे छीन लिया हो, या फिर कोई पर्सन आपकी लाइफ में बहुत अच्छा आया हो फिर वो दूर हो गया हो, या फिर वो आपके साथ धोखा करके गया हो, या फिर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सा इशू आपके बीच आ गया हो जिसके वजह से आप लोगों को अलग होना पड़ा हो। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हो सकता है कोई जॉब हो जो पहले आपको मिल गई हो लेकिन फिर वो छूट गई हो, फिर से आपको जॉब के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा हो, कुछ भी। तो ईश्वर दे करके छीन क्यों लेते हैं? तो हमने सिर्फ ये वीडियो आप लोगों के कमेंट की वजह से बनाया है, क्योंकि हम बहुत ढेर सारे लोगों को कमेंट में नहीं समझा सकते थे। जैसे थोड़ी सी बातें लिख सकते हैं कि आप पॉजिटिव रहिए, मेडिटेशन करिए, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी उन शब्द से समझ में नहीं आता। हमने इसलिए ये वीडियो बनाया है ताकि आप समझ सकें और पॉजिटिव रहें अपनी लाइफ में। ईश्वर कुछ भी दे करके छीन इसलिए लेते हैं क्योंकि वो आपकी लाइफ में आ तो जाता है लेकिन वो आपके लिए सही नहीं होता है। जैसे आपके पास कोई छोटा सा बच्चा होगा, अगर वो कोई चीज़ ले लेता है, जैसे वो कहता है कि मुझे साइकिल चलानी है, अब वो बहुत छोटा है तो, और मुझे सड़क पे जाना है, तो क्या आप उसे जाने देंगे? अगर उसने ले भी लिया जो उसके पास छोटी सी साइकिल है और वो सड़क पे चला भी गया, तो फिर आप उसे नहीं जाने दोगे ना, आप उसे छीन करके रख दोगे, उसे नहीं दोगे। और फिर जब वो बड़ा हो जाएगा तब आप खुद उसे भेजोगे कि आप मार्केट जाओ, ये ले आओ, सड़क पे चले जाओ, कुछ सामान मंगाओगे। जब वो बड़ा हो जाएगा तो आप उसे खुद बोलेंगे ना, आप उसे खुद वो काम करने के लिए कहेंगे। जैसे कोई छोटा सा बच्चा होता है, अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, जैसे कुछ सब्जी को कट कर रहे हैं और उसने ले लिया चाकू को, जो चाकू होती है ना, नाइफ, अगर उसे ले लिया और वो भी सब्जी को कट करने लगा, तो आप जल्दी से उसे छीनोगे ना कि ये लग जाएगी, चोट लग जाएगी, तकलीफ़ होगी, फिर दर्द होगा, फिर वो रोएगा। तो ये चीज़ें आपको पसंद नहीं है ना, आपको अच्छी नहीं लगेगी। अगर आप उसे सही टाइम पे देख लेंगे तो आप उसे छीन लेते हैं। तो कुछ टाइम के लिए वो बच्चा बहुत रोता है, बहुत रोता है और ज़िद करता है कि मुझे वही चाहिए, वही चाहिए। तो लेकिन नहीं देते ना आप, कितना भी वो रोए अगर उसके लिए वो चीज़ नहीं सही है तो आप नहीं देते हैं। जब वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो फिर आप उसे दे देते हैं। अगर वो कर रहा है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानता है उसके लिए क्या सही है क्या बुरा है, वो उससे बहुत अच्छे से काम करेगा, उससे उसे तकलीफ़ नहीं होगी। तो सही टाइम पर आप उसे दे देते हैं ना, और जब उसका टाइम नहीं होता तो अगर वो पा भी जाता है उस चीज़ को तो आप उससे छीन लेते हैं। तो ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में भी होता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग आ जाते हैं जो हमें बहुत अच्छे लगने लगते हैं, हम उनसे प्यार करने लगते हैं, या फिर वो हमारे कार्मिक होते हैं तो वो कुछ प्लानिंग करके आते हैं और वो हमें धीरे 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 बहुत तकलीफ़ देते हैं, तकलीफ़ देते हैं और हमारा इस्तेमाल करते हैं। तो ईश्वर क्या करते हैं कि उनकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन आ जाता है जिससे वो आपको छोड़ करके चले जाते हैं, आपकी तरफ ध्यान नहीं देते, आप बहुत रोने लगते हैं, बहुत टूट जाते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो आपकी लाइफ में आ जाए, लेकिन ईश्वर आपकी लाइफ में उसे नहीं भेजते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आप मेडिटेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी ज़िद पर अड़ जाते हैं तो फिर वो आपको दे देते हैं, तो फिर आपकी लाइफ में सब कुछ नेगेटिव होने लगता है।
जब तक आपका कार्मिक बर्डन होता है तब तक तो वो आपकी लाइफ में रहता है, और जब आपका कार्मिक बर्डन उससे ख़त्म हो जाता है, वो आपके लिए सही नहीं रहता, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा आने के लिए होता है, तो वो आपकी लाइफ से चला जाता है। ईश्वर भी आपका अच्छा बुरा इसी तरह से जानते हैं जैसे आप उस बच्चे का अच्छा बुरा जानते हैं, उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो वैसे ही यूनिवर्स, आपके स्पिरिट गाइडर, आपके एंजल्स, आपके ईश्वर जानते हैं कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। आपको लगता है कि वो आपके लिए सही है, लेकिन उन्हें आपसे बेहतर पता है कि आपके लिए क्या सही है। अभी वो आपके लिए सही लग रहा है, लेकिन आगे चल के वो आपके लिए गलत हो जाएगा, आपको तकलीफ देगा, उससे आपको बहुत दुख होगा, इसलिए वो आपसे छीन लेते हैं और आप उसी छोटे से बच्चे की तरह जिद करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत तकलीफ़ में थे, उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम रहती थी, बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम थी उनकी लाइफ में, तो उनकी लाइफ में कोई पर्सन आ गया जिससे वो बात करने लगे, धीरे धीरे वो बात करने लगे, वो उनसे सारी तकलीफ़ों के बारे में पूछने लगे, बात करने लगे, और आपको भी अच्छा लगने लगा और आप भी उनसे प्यार करने लगे, वो भी आपसे बहुत अच्छे से बात करने लगे, लेकिन अचानक से वो बदल गए, क्योंकि वो हो सकता था कि बाद में आपको चोट देता, बाद में आपको तकलीफ़ें देता, इसलिए आज ईश्वर ने उसकी लाइफ में किसी और को भेज करके आपसे दूर किया है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों के पर्सन दूर जाते हैं वो ईश्वर की मर्जी से, ताकि वो आपसे दूर हो जाए। ईश्वर ने आपके लिए कुछ अलग सोचा होता है, आपके लिए ये सही नहीं होता है, इसलिए वो आपसे छीन लेते हैं। और आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं, खुद के लिए मेडिटेशन नहीं करते हैं, उसे पाने के लिए मेडिटेशन करते हैं। कुछ लोगों का मैनिफेस्टेशन पूरा भी नहीं होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तरह से करते हैं और बहुत ज़िद बना लेते हैं कि नहीं मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए, और वो चीज़ आपके लिए सही नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो आपको मिल जाती है। बहुत लोगों के साथ ऐसा है भी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रार्थना की थी, बिल्कुल पॉजिटिव रहते थे, बहुत व्रत करते थे, ईश्वर से कहते थे सिर्फ मेरी यही विश है। हमारे कुछ जानने वाले हैं जिन्होंने ऐसा किया था, लेकिन आज वो उस पर्सन से बहुत ऊब चुके हैं, अलग हो चुके हैं, और वो कहते हैं कि मुझे तो शक्ल तक नहीं देखनी है। सबके खिलाफ जाकर के उन लोगों ने अपने पर्सन से शादी की थी, लेकिन आज उसी पर्सन से वो इतनी नफरत करते हैं कि शक्ल नहीं देखना चाहते हैं। तो आप समझ लीजिए, इसीलिए ईश्वर उनको नहीं मिला रहे थे, लेकिन इतनी जिद करने पे उन्हें मिल गया, और फिर आज वो उससे इतनी नफरत करने लगे हैं। उनकी लाइफ का जो टाइम था वो भी वेस्ट हुआ, और जिस इंसान से वो प्यार करते थे उसी इंसान की आज वो शक्ल नहीं देखना चाहते। तो इसीलिए होता है कि आपके पर्सन आपसे दूर हो जाते हैं कि वो आगे चल के शायद आपको तकलीफ़ दें, या फिर आपका रिश्ता उनसे बना ही ना हो, इस वजह से वो आपको छोड़ कर जाते हैं, और आप बहुत ज़्यादा जिद करते हैं, उनके लिए मेडिटेशन करते हैं, उनके लिए व्रत करते हैं, ईश्वर से हमेशा यही विश मांगते हैं कि आपको यही चाहिए यही चाहिए, तो आपको मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको तकलीफ़ें मिलेंगी। अगर आपकी लाइफ से कोई भी चीज़, पर्सन ही नहीं कोई भी चीज़, अगर आपकी लाइफ से चली जाती है और आप ये सोचते हैं कि ईश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा होगा, अगर ये चीज़ आपकी लाइफ से गई है तो आपकी लाइफ में कुछ अच्छा आने के लिए होगा, जब आपका सही टाइम आएगा, अगर वो चीज़ आपके लिए बनी होगी तो आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से अगर आप सोचेंगे ना तो आपकी सोच बदल जाएगी। कभी भी आपकी लाइफ में कुछ बुरा होगा ना तो आप नेगेटिव नहीं होंगे, आप बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होंगे, आप ये सोचेंगे कुछ अच्छा होने के लिए ऐसा हुआ है। अगर आपकी सोच में ये आ जाएगा ना, आपकी आदत में ये हो जाएगा कि आपकी लाइफ में कुछ भी बुरा होगा तो आप सोचेंगे कि कुछ अच्छा होने के लिए ये हुआ है, तो डियर आपकी लाइफ में हमेशा कुछ अच्छा ही होगा, और आपको इस बात का एहसास भी होगा कि आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पर्सन ने उन्हें धोखा दे दिया है, या थर्ड पर्सन की वजह से, या फिर किसी और से शादी कर ली है, अपनी फैमिली की वजह से, पहले तो आपसे बहुत प्यार करते थे और बोलते थे कि कुछ भी हो जाए वो आपसे ही शादी करेंगे, लेकिन अचानक से वो बदल गए हैं, उनकी शादी हो गई है, या फिर उन्होंने किसी और की वजह से आपको छोड़ दिया है, तो आप बहुत रो रहे हैं और आप उनके लिए मेडिटेशन कर रहे हैं, आप उनके लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। तो आप ईश्वर के ऊपर सब कुछ छोड़ दीजिए, और आप ये सोचिए कि आप जो मेडिटेशन कर रहे हैं वो आप खुद के लिए कर रहे हैं। अगर आप खुद के लिए सब कुछ करने लगेंगे तो आपकी लाइफ में सब कुछ आ जाएगा, जो आप चाहते हैं वो सब कुछ मिलने लगेगा।
अगर आप खुद की सेल्फ़ रिस्पेक्ट की कद्र करने लगेंगे, आप खुद से प्यार करने लगेंगे, आप खुद के लिए मेडिटेशन करने लगेंगे, तो डियर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको ना मिले। करियर में सक्सेस हो, आपको लव लाइफ में सक्सेस चाहिए हो, तो सब कुछ आपकी लाइफ में ठीक हो जाएगा। फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, आप उसे भी ख़त्म करना चाहते हो, तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। आप जो भी सोचेंगे पॉजिटिव चीज़ें, वो आपको मिलने लगेगी। आप उसके लिए कुछ करें या फिर ना करें, जैसे आप अभी अपने प्यार के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन करते हैं ना, अगर आप अपने लिए मेडिटेशन करने लगेंगे, अगर आप किसी चीज़ पॉजिटिव चीज़ के बारे में सोच भी लेंगे, तो वो आपको मिलने लगेगी। या तो उसी से रिलेटेड कोई इंसान आपसे बात करने लगेगा, या फिर वैसी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होने लगेगी, तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। तो आपकी लाइफ में कुछ भी खोया हो, जॉब खोई हो, या फिर आपने किसी को खो दिया हो, कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी फैमिली में किसी को खो दिया है हमेशा के लिए, तो डियर आप ये समझ लीजिए कि इस दुनिया में लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन अगर ये कुछ हुआ है तो ईश्वर ने आपको कुछ सिखाने के लिए किया होगा। हर किसी को ईश्वर नहीं सिखाते हैं, आप उनके प्यारे बच्चे होंगे, आपको वो कोई बड़ा काम देना चाहते होंगे अपना, इस वजह से वो आपकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम करते हैं, आपको कुछ देते हैं, उससे आपको प्यार हो जाता है, मोह हो जाती है, फिर वो छीन लेते हैं ताकि आप उससे कुछ सीख सकें। आप लोगों के मोह में ना फंसे, आप इस मोह से अलग रहें, प्रेम करें, सबसे जुड़े रहें, अपना जो फ़र्ज है वो पूरा करते रहें, लेकिन आपको मोह ना हो। आपकी लाइफ में ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम आती है ना, ये अभी आपको बहुत बड़ी लगती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन वो सीख चुके हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ना। जब आप भी इसी तरह से बढ़ते रहेंगे और पॉजिटिव रहेंगे, तो आपको भी समझ में आएगा कि ये जो प्रॉब्लम थी ना, ये बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम थी, तो आपको बड़ी प्रॉब्लम तोड़ ना सके, इस वजह से ये छोटी छोटी प्रॉब्लम है जिससे आपको अभी मजबूत किया जा रहा है, आप स्ट्रांग हो सके, आप खुद को संभाल सके। अगर इस दुनिया में हर कोई खुद को संभाल लेगा ना, तो इस दुनिया में कभी कोई दुखी नहीं होगा, जो सैड एनर्जी में होते हैं ना, वो नहीं होंगे। अभी क्या होता है ना, लोग दूसरों पे डिपेंड हो जाते हैं, दूसरे से प्यार करने लगे, अगर वो उनसे बात नहीं कर रहा, वो उनके पास नहीं है, तो वो दुखी हो गए। वो नहीं कर रहा है, नहीं करने दो, आप खुद से प्यार करो, आप खुद की फिक्र करो, खुद के बारे में सोचो, आप खुश हो जाओगे। अगर हर कोई ऐसा करेगा तो सब लोग खुश हो जाएंगे ना। तो आपकी अगर जॉब छूट गई है, आप बहुत दुखी हैं, तो आप ये मत सोचिए कि ये क्यों हुआ, आप ये सोचिए कि ईश्वर ने कुछ अच्छा करने के लिए किया है। आप ईश्वर के सामने जब भी जाइए, उनसे बस इतनी सी प्रार्थना करिए कि आप जो भी करेंगे मेरी लाइफ में अच्छा ही करेंगे। अगर आप ईश्वर से इतना बोलते रहेंगे हमेशा कि आप जो करेंगे मेरी लाइफ में अच्छा करेंगे, मेरी लाइफ में कभी कुछ बुरा नहीं होने देंगे, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, अगर आप ये लाइन हमेशा बोलते रहें, और आपको ये बोलना है कि ईश्वर बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारा सपोर्ट करते हैं, आपने इतना सब कुछ दिया है, उसके लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आप ये सारी चीज़ें बोलते रहें, तो आप खुद देखेंगे कि आपकी लाइफ में सब कुछ चेंज होने लगेगा। आप कभी इस बात पे ध्यान मत दिया करिए कि आपसे ईश्वर छीन लेते हैं, ईश्वर आपको सिखाना चाहते हैं कि ज़िंदगी में कैसे चलते हैं, ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ते हैं, इन छोटी छोटी मुसीबतों से कैसे लड़ के आगे बड़ी मुसीबतों का सामना करते हैं। और ज़िंदगी में सुख दुख हर किसी के आते हैं, हम भी आपको समझाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ में नहीं आते, सबकी लाइफ में आते हैं, सुख दुख आते हैं, अगर हम जी रहे हैं और हम में जान है तो सुख दुख आते रहेंगे, क्योंकि जिनमें जान नहीं होती है उनकी लाइफ में कभी कुछ नहीं होता है, उनकी लाइफ वहीं पे स्टक हो जाती है। तो अगर आप में जान है, आप जीना चाहते हैं, आप खुश रहना चाहते हैं, तो आपको थोड़े बहुत तो तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपको निराश नहीं होना है। कुछ भी आपकी लाइफ में गलत होता है आपके हिसाब से, तो आपको कुछ भी लगता है कि ये ऐसा नहीं होना था, फिर आप उसके बारे में सोच लीजिए, लेकिन दिन भर मत सोचिए। ये नहीं कि आपने उसी बात को पकड़ लिया कि मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं होता, आपको मेडिटेशन करना है हमेशा,
और पॉजिटिव रहना है, और आपको खुद के लिए मेडिटेशन करना है, और हमेशा आपको खुद से बात करनी है कि आप बहुत अच्छे हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, आप हमेशा अपने से बहुत प्यार करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं और खुश रहते हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें करने लगेंगे तो आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होने लगेगा। और अगर आपने मेडिटेशन किया, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन किया और अपनी इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो आपको खुद समझ में आने लगेगा कि आपकी लाइफ में ये चीज़ें क्यों होती हैं। आपको हर एक एक चीज़ समझ में आने लगेगी कि आपको कब एंजल्स ने गाइड किया था, एंजल्स गाइडेंस कब दे रहे थे आपको, आपको ये साइन मिल रहे थे, आपको हर एक साइन समझ में आने लगेंगे। आप जैसे लगेगा ईश्वर से बात कर रहे हैं, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं, आपको हर एक चीज़ समझ में आने लगेगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेडिटेशन किया करें, आप खुद के लिए मेडिटेशन किया करें। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आया होगा, हमने तो पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो माफ़ करिएगा, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया है तो प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में वो सारे काम ज़रूर कीजिएगा, अपने लिए कीजिएगा, ठीक है। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए, कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए, और हमेशा पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव बिल्कुल मत होइए। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को ही करने दीजिए, आप तो सिर्फ मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए। आपको जो भी चाहिए वो पॉजिटिव तरह से आप मैनिफेस्ट करिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा। अगर डियर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा।